सही है। हम कल बाइनोमियल के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी है। हमने ये वाला क्वेश्चन 4 तो हमने कर लिया था, राइट, कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन एक दफा पढ़ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास और हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने। अब मुझे बताओ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल में। एन सी आर ब्रैकेट ए फिर पावर, एक मिनट, ये एन माइनस आर है या हाँ, एन माइनस आर। जी, फिर है बी आर, बी ठीक पावर आर। है, हाँ, बी पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला ये हमें पता है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है के प्लस एक्स पावर 8। अब मुझे बताओ इसमें ए क्या है और बी क्या है। इस केस में, इस क्वेश्चन में ए क्या है? ठीक हाँ, इसमें ए जो है वो के है और बी है, जो है ठीक वो एक्स है, है, हाँ, सही और है, एन एन जो है वो 8 है, राइट। सही है, हाँ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सही है, अब हम इसमें निकाल लें फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लें असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी हम निकाल लेंगे। अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, इसका भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, फाइंड इन टर्म्स ऑफ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के। तो इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सिर्फ इतना बोला कि के टर्म्स में आंसर निकालना है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास के की कोई वैल्यू नहीं है ना, के ही है, तो फिर हम के साथ साथ जो भी आंसर आएगा के टर्म्स में ही आएगा, बस ये कहावत, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, एन तो 8 लेंगे, सी मुझे बताते जाओ क्या क्या आएगा। 8 सी, आर क्या लेंगे हम, और आर के ले लेंगे, नहीं फोर, सॉरी फोर, सॉरी 4 क्यों लेंगे आर। आर इज टू, ओ हाँ सॉरी, 1 ले, 0 ले। 0 लेंगे, आर हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आर सी 0 जी लिया जी हमने। ए इसमें क्या है, के है, ऑब्वियसली के टर्म्स में आंसर आएगा। 8 माइनस 0, बी क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स आएगा 0। 8 सी 0 क्या होता है, ये कैलकुलेटर में सॉल्व करो। वन 1 1 होता है, ठीक है, के की पावर 8 है क्योंकि 8 माइनस 0 इज ऑब्वियसली 0, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 होना 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया, के पावर 8, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करें, अब हम सेकेंड टर्म निकालते हैं, 8 सी 1। देखो मैं लिखती जा रही हूँ, मुझे बताओ मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। ठीक है, सही है, ऐसे ही होगा। आर अब हम 1 लेंगे। अब 8 सी 1 की वैल्यू बताओ मुझे। हाँ, जी, 8 8, और के की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। के पावर 7 और एक्स की पावर हमारे पास 1 ही है, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू K7 और X, इसको ऐसे लिख देंगे हम। सही है, अब हम आते हैं थर्ड टर्म पे। थर्ड टर्म पे हम क्या लेंगे, R 2 लेंगे हम, R K 8 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया, और X की पावर स्क्वायर। 8 C 2 क्या होता है, 28 ठीक है, ये समझ में आया। थर्ड टर्म आ गया हमारे पास। अब फोर्थ टर्म निकालते हैं हम, 8 C 3, हाँ 3 होगा, राइट, 56 के पावर हमारे पास होगा 8 माइनस 3 और एक्स क्यूब 3 आएगा ऑब्वियसली। तो इसका क्या बताया तुमने, 8 C 3 क्या होता है, ठीक H356 है, 56, के की पावर क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3 5 एक्स क्यूब।
ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आ गए, कितना है, 1 2 3 4 टर्म्स आ गए, सही है ना? ठीक है, अब हम इसमें, एक मिनट जी, सही, ओके। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इसमें हमें साइन भी तो ऐड करनी होती है ना, प्लस माइनस देखना होता है हमें। पहले हम टर्म्स को लाइन से लिख देते हैं, जो हमारा आंसर आना है। फर्स्ट टर्म लिख दिया, सेकंड टर्म कहाँ लिखा, हाँ 8k7x, और फिर क्या है हमारे पास, 28k6 x2, और फिर क्या है, 50 50, अब मुझे बताओ इनके बीच में साइन क्या आएंगी, प्लस सब में प्लस आएगा। ठीक जी, ठीक है, हमने लिख दिया, बस हमारे पास पार्ट वन का जी आंसर आ गया, हमने पार्ट वन कर लिया, सही है, ये हमारा पार्ट वन का आंसर है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया, इसका सलूशन समझ में आ गया। अभी हमें गिवन द कोएफिशिएंट, अभी हमें ये करना है कि हमें हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, ये वो मैं समझा रही हूँ। सही है, इसमें क्या लिखा है, गिवन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सही है, इसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो उसके साथ लिखे हुए हो, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी सारी चीज लिखी हो वो उसका कोफिशिएंट होता है, और एक्स क्यूब के साथ जो भी सारी चीज लिखी हो वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, इस वाली जो हमने आंसर अभी निकाला है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, के 28 के वाला जो है 6 है पावर ये, ठीक है, और एक्स, अच्छा इसमें क्या लिखा है, इन दिस, और अच्छा मैं बताती हूँ, पहले मुझे बताओ एक्स क्यूब का हमने कोफिशिएंट आखिर क्या में है। लड़ना है 56 के पावर 5। हाँ सही है, ये हो गया, सही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल, इक्वल मतलब कि ये इक्वल्स टू के साइन है बस। अभी क्योंकि हमें के की वैल्यू तो पता ही नहीं ना, के तो कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर के की कोई एक वैल्यू आएगी जिसके ऊपर ये दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर लिया। अब क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हम के की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम 28 को उधर लीजेंगे लेफ्ट पे, 28 को, नहीं 28 को ले जाएंगे लेफ्ट पे, एंड देन जो के R5 है उसको राइट, सॉरी सॉरी, 28K को हम राइट पे लेके, 28 को हम राइट पे लेके जाएंगे, और 56 को, सॉरी हाँ, के पावर 5 को लेफ्ट पे ले आएंगे, तो ये हो ये क्या हो सकता है जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जी। हाँ सही है, K6 तो ऑलरेडी यहाँ लिखा है हमने, K5 को हमने डिवाइड किया, हम वहां से लेफ्ट पे लेके आए, सही है, यही बोल रहे हो ना तुम, 56 है जी, अपॉन 28 को हमने राइट पे शिफ्ट किया तो ये आ गया, सही है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो इंडाइसेस होते हैं ना, इसमें क्या है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, K पावर 6 और K पावर 5, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब दोनों में है तो K ही ना, K है इसका बेस, बेस सेम है, बेस इस K को बोलेंगे हम, बेस सेम है, तो जब भी डिवाइड होता है तो हम इनकी पावर्स को माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, क्या वैल्यू आती है, ये आ जाएगा। 1 आ जाता है ना, तो K हो गया ये, और 56 डिवाइड बाय 28 क्या होता है, 2 2, बस के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, के हमने इक्वल टू सॉल्व भी टू कर लिया जी बस, बिल्कुल। इसमें 2 मार्क भी बहुत है, ये तो 1 मार्क का पार्ट था, ये बहुत इजी छोटा सा पार्ट था, हमने फौरन से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब एक और, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 24, ये देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ये भी आसान ही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी ट्रिकी है। ये मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, समझ आ रहा है? जी, समझ आ रहा है। इसके अंदर हमें बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ मैं यहीं पे नहीं ट्राई मैम, कर, अगर आप करा दें हाँ मैं करा रही हूँ,
इसमें क्या निकालना है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, पूरे इसमें। इसमें देखो, विच इज इसमें वन क्या, प्लस एक्स स्क्वायर. नहीं, कैसे 1 + x² ओके कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो, हाँ ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, पूरे इसमें निकालना है। देखो हम अभी, हमने जो अभी पीछे पार्ट किया था, या नीचे हमने पूरा आंसर लिखा हुआ था, उसमें से रीड कर लिया था, एक्स स्क्वायर के साथ किया और एक्स क्यूब के साथ किया है, ठीक है ना, हमने ऐसे किया था ना कोफिशियंट निकालने के लिए। इसमें क्या है कि इसमें पहले इसको, जो ये है ना x/2 - 4/x, इसको हम बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पावर ठीक सिक्स है है. ना, इसको एक्सपैंड करेंगे, फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास पूरा आंसर आएगा ना, उसमें से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालेंगे, ठीक है। ठीक, अब इसमें हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल, इस पे फोकस होगा, x/2 - 4/x/6, ठीक है ना। अब इसमें मुझे बताओ, इस केस में ए क्या है, जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने सिंबल हाँ, 1 प्लस है, 1 1 है, नहीं सॉरी, 1 प्लस x है, x स्क्वायर, नहीं, 1 + x² कैसे है, सॉरी दूसरे वाले ब्रैकेट क्या है, हाँ जो दूसरे वाले ब्रैकेट बात कर रहे, ओके हाँ, x/2, ठीक है, और बी क्या है, b जो है 4/x, ठीक है, सही है, और एन क्या है, n जो है वो 6 है. ठीक है, n 6 है। तो हम इसमें ना देखो, हमें हर जगह, हमने जो ऊपर 2-3 क्वेश्चन किए, इसमें हर जगह हमें बोला था first 3 टर्म्स निकालो, first 4 टर्म्स निकालो, तो हम आसानी से कर सक रहे थे। इसमें हमारे पास क्या, हमारे पास जो है ना, कोई कुछ हमें बोला हुआ नहीं है कि हमें कितने टर्म्स निकालने, ठीक है ना, हमें इसमें कुछ नहीं बताया हुआ कि इसमें हमें कितने टर्म्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से 3 या 4 टर्म्स निकालेंगे। देखो इसमें 6 है ना, n = 6 है, तो उसमें टोटल कितने टर्म्स आने चाहिए, n+1, 6 सॉरी 7, 7, हाँ 7 आने हाँ चाहिए। तो हम सेवन. इतना सारा सॉल्व करेंगे, आगे ना इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना, हो भी सकता है, हमें अभी ट्राई नहीं करना, लेकिन हम 7 टर्म्स देख के, हमें जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है ना, तो हमें क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि हमें कितने टर्म्स निकालने। हम फिलहाल इसमें 3 या 4 टर्म्स निकालते हैं, फिलहाल हम 4 टर्म्स निकालते हैं, अगर हमें ऐसा, क्योंकि हमें ना दोबारा मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट से 1 + x² से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम फिलहाल अभी 4 टर्म्स निकालते हैं, अगर जरूरत लगी तो हम और आगे करेंगे, ठीक है ना। अभी पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म में हम आर क्या लेंगे, आर होगा 0. ठीक है, x/2, अब इसमें बहुत ध्यान से काम करना है, बिकॉज ये ऑब्वियसली सारा जो है फ्रैक्शंस में काम हो रहा है। मैम आई एम सॉरी, एक सेकंड की मैं कॉल ले सकता हूँ, लाइक लिटरली लाइक हाँ ठीक है, ले सेकंड की लीजिए, कॉल होगी. ठीक है। Yeah, I know about that. Yeah, again, where is it? Times Square Center. Okay. Yeah, I'll confirm my seat. Yeah, Ahmed Walid. Yeah, perfect. Yeah. Yes. हम पहले फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे, फर्स्ट टर्म में हमने R0 रखा, 6C0, और जो मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया, अब 6C0 एक दफा चेक कर लो कैलकुलेटर में, 1 ही होता है। सॉरी म्यूट था, मैं जवाब दे रहा था, जी 1 ही होता है. ठीक है,
अच्छा अब हमने 4/x, अच्छा इसमें ना मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, मैं तुम्हें इसकी लॉजिक बाद में समझाऊंगी। हम सारे टर्म्स निकालेंगे इसमें, हमने क्या बोला था 7 टर्म्स होते हैं ना, हम 7 टर्म्स ही निकालेंगे इसमें, सब करेंगे पूरा करेंगे। अच्छा अब सही यहाँ पे देखो हमारे पास x अपॉन 2 होल पावर 6 है ना, तो हम इसमें पावर्स डिवाइड कर सकते हैं, x 6 और 2 पावर 6 भी कर सकते हैं, राइट। 2 पावर 6 कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो क्या आ रहा है,64। ठीक है x 6 और ये आ जाएगा 64। ठीक है ये एक टर्म हो गया, ये अपने पास ना ये वाला टर्म नोट डाउन कर लो, x/6/64, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है। सेकंड टर्म है हमारे पास, सेकंड टर्म में हम R1 लेंगे, 6C1 x/2 x1, ठीक है यही होगा। अब 6C1 क्या होता है, 61 6 बताओ, 6 ठीक है 6 होता है, 2 के देखो हमने मैंने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जैसे मैंने ऊपर किया था मल्टीप्लाई बाय, कहीं पे कोई स्टेप समझ नहीं है तो मुझे बताना। 4/x, ठीक है 4/x की पावर जी मैम। कोई है, सही है। अच्छा अब इसमें क्या है, देखो अब हम जो है ना सारे कोफिशिएंट तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो बहुत डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम सारे जो नंबर्स है ना वो एक जगह कर लेते हैं, कैसे, सब मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है ना, सब कुछ न्यूमिरेटर में, तो हम कोई भी चीज पहले लिखे बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लिखा हुआ है ना 6x/4 यही लिखा हुआ है ना, तो हम 6x/4x लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है हम ऐसे लिख सकते हैं सेम क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे 6x/4, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है, ये पूरा वो है x5/x, ये मैंने सिर्फ इसके फ्रैक्शंस डिस्ट्रीब्यूट करें, सब ऊपर भी मल्टीप्लाई, न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ठीक है ना। अभी जो मैंने सारे नंबर्स लिखे ना 6x/4/2 पावर 5, ये कैलकुलेटर सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ, 2 पावर 5 है ये ध्यान रखना, 6x/4 जी डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, .75 दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहा है, 0.75 2 power 5 है ना नीचे वाला। हाँ नहीं मुझे फ्रैक्शंस में बताओ मुझे आंसर, अच्छा फ्रैक्शंस में 3 by 4 3/4, ठीक है ये आ गया। अब इसमें क्या साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x/5/x, मैंने क्या बोला था कि जब भी डिवीजन में होता है बेसिस सेम है तो हम पावर्स माइनस कर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर की पावर क्या है 1, 5 - 1 क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लो, मैं ये सब अभी रेज कर रही हूँ। हमारे पास फर्स्ट टर्म है x/6x/64, सेकेंड टर्म है हमारे पास 3/4x/4, सही है। जी अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म के लिए हम क्या कर रहे थे, 6C2 होगा x/2, ठीक है ऐसे लिख दिया। 6C2 की क्या वैल्यू होती है, C2 15 हमने दोबारा से पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 2/4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब ये 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है ना x स्क्वायर, ठीक है ना। वापस से हम दोबारा से नंबर्स एक साथ लिख देते ताकि हमें सॉल्व करने में आसान लगे, 15x/4 का ये स्क्वायर है अपॉन 2/4x/4 था हमारे पास और x स्क्वायर था, ठीक है ऐसे ही था ना, हमने सिर्फ नंबर्स इधर से उधर कर दी। अब कैलकुलेटर में सॉल्व करो, 15x/4 का स्क्वायर अपॉन 2/4, ये सब मैंने लिखा हुआ, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके टेन मुझे फ्रैक्शन क्या आ रहा है आंसर, टेन
ठीक है ना, एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम पावर्स माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 इज 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया ये, सही है ना। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई, अब जल्दी ये से, फोर्थ टर्म है ना? अच्छा थर्ड टर्म जी, थर्ड टर्म है। सॉरी जी। ठीक है ना, 63, 63 की क्या वैल्यू होती है? 63 20 की ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आंसर, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो ये तो जीरो ही हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया, तो हमारे पास इस दफा नंबर्स में आंसर आएगा, एक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये निकाल लो, ये वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ये हो गया 160। 160, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है, देखो मैंने साइड पे लिखा है, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म आपने लिखा था, अब ये थर्ड टर्म, और ये थर्ड टर्म है ना 10x स्क्वायर, और फोर्थ टर्म 160, ये अपने पास नोट डाउन करो। ये 160 है ना फोर्थ हाँ, 160, टर्म। हाँ फिफ्थ टर्म निकालते हैं हम, 63 निकाला था ना, अब हम फोर्थ आएंगे। सिक्सटी फोर की क्या वैल्यू होती है? हाँ मैम, इट्स मैम वो रे सॉरी म्यूट हुआ हुआ था, और मैंने निकाल ली थी पहले C4 15 64 भी 15 होता है। जी। अच्छा, अब ये देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है ना, और हम क्या मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है ना। अब इसमें ये तो निकाल लो कि जो नंबर्स है, ये तो कैलकुलेटर से निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहे हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 4 इज अपॉन 2 स्क्वायर, 960 960 बोल, सही है ना। अच्छा, अब इसमें जो x है, x मैंने क्या बोला था, दोनों माइनस होते हैं, ऑब्वियसली बेसिस सेम है, तो इसमें जो है ना हम क्या करेंगे, 2 माइनस 4 करते हैं ना, हम न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर के पावर कर रहे हैं, 2 माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है, -2 -2, तो किसी की भी पावर अगर माइनस में होती है ना, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे एक्स पावर -2 लिखेंगे, तो इसको हम एक्स पावर -2 लिखने के बजाय हम डायरेक्टली इसको, अब क्योंकि इसकी पावर माइनस है इसलिए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म आ गया, अब हम जल्दी से सिक्स टर्म निकाल लेते हैं, 65 एक्स अपॉन 2 65 की क्या वैल्यू होती है? सिक्स मैं इसको सिक्स डायरेक्टली, हाँ ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देती हूँ,
टू की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 1 अपॉन x पावर 5, तो 1 माइनस 5 क्या होता है? 4। ठीक है, मुझे बताओ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 5 अपॉन 2 क्या होता है? 6 × 4 पावर 5 अपॉन 2।3072. ठीक है ना, और x की वैल्यू 1 माइनस 5 क्या होगा? -4। तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में आ जाता है डायरेक्टली 4। अब हम माइनस हटा देते हैं, देखो या तो हम न्यूमिरेटर में डायरेक्टली माइनस लिखते हैं या तो फिर डिनोमिनेटर में लाके माइनस हटा देते हैं, जिस भी पावर अगर माइनस आ रही होती है ना तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6th टर्म। अब ये हमारे पास आ गया 5th टर्म। अब 5th और 6th टर्म अपने पास नोट डाउन कर लो, हम 7th टर्म निकाल लेते हैं जल्दी से। 66 x अपॉन 2 और अपॉन एक्स पावर 6। 66 की क्या वैल्यू होती है? 1 होता होगा। J1 है. ठीक है, ठीक है ना, अब हमारे पास वो भी 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 भी 0 होता है, तो इस वजह से एक्स अपॉन 2 की भी पावर 1 मतलब 0 होगी, तो वो 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 4 पावर 6 अपॉन x पावर 6। 4 पावर 6 की क्या वैल्यू होती है? 4096. ये हमारे पास आ गए 7 टर्म्स। इसको 7 टर्म्स को अपने पास नोट डाउन करके लिख दो। अब हम हमारा जो क्वेश्चन कह रहे हैं हम असल वो काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया तुमने? जी मैम. अब मुझे एक एक करके टर्म बताओ, सारे फर्स्ट टर्म बताओ, सेकंड टर्म, सारे टर्म्स बताओ। फर्स्ट टर्म जो है वो है x^6/64. ठीक है, दूसरा है वो है 3/4 x^4 x^4. मैम जो थर्ड है वो पता नहीं लिखा मैंने, बट फोर्थ मुझे सॉरी थर्ड को मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि थर्ड आपको पहले फोर्थ एंड फिफ्थ बता दूं, आई मीन बाकी सारे बता दूं, सिर्फ थर्ड नहीं लिखा हुआ. हाँ ठीक है बताओ। हाँ तो फोर्थ जो है वो 160 है, ठीक है, फिफ्थ जो है वो 960/x². ओके सिक्स जो है वो 3072/x^4 है. सही है। और सेवेंथ, और सेवन जो है वो 4096/x^6. ठीक ये आ गया हमारे पास, मैं वो देख लेती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में होगा। थर्ड टर्म कहाँ लिखा है? 15x² है, हाँ 15x² है। ठीक है, बैक टू दिस। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम. ठीक है, 15x² है। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन से देख लिया, सही है। अभी हमारे पास टर्म्स हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया है फिलहाल, x/2 − 4/x/6। अब मुझे इसमें से बताओ प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा, किस तरह लिखेंगे हम? ये पूरी लाइन में मैंने लिख दिया, मुझे इसका आंसर चाहिए, प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा? साइंस बता दो, इसमें साइंस क्या क्या आएंगी?
मैम सॉरी, मेरा माइक ऑफ था और मैं आंसर दे रहा था। अच्छा मैम, जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट है वो होगा -x^64। नहीं ये गलत बता रहे हो, पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, प्लस से स्टार्ट करते हमेशा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब ये x^ हाँ x सॉरी प्लस x^64 होगा। ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दो 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 ब्रैकेट्स को हम मल्टीप, अरे 1 मिनट, मेरा रिटर्न चला गया ना सारा। चलो हम सोल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में हमने यही, देखो मैं बता रही थी, हाँ हमने यही वाली वैल्यूज लिखी थी, ये देखो ये सारी वैल्यूज थी हमारे पास, ये लिखी हुई जी यहाँ पर, ठीक है यही वैल्यूज थी ना हमारे पास, और इसके आगे भी 2-3 वैल्यूज थी। मैंने क्या बोला था कि हमें ना जरूरी नहीं है सारी वैल्यूज का काम है, ठीक है। मैं समझा रही हूँ क्यों, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये मैंने अभी सारा लिखा हुआ था, मेरा चला गया इसलिए मैंने सोल्यूशन खोल लिया, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ था, x^(x^6)/64 -3/4 -160, ठीक है ये लिखा था, और आगे इसके मैं डॉट डॉट लगा दी थी, उसका मतलब और भी सारी टर्म्स थी लेकिन वो हमारे काम की नहीं। मैं बताती हूँ क्यों, हमें क्वेश्चन कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² निकालना है जब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल नहीं, देखो हम डायरेक्टली इधर से x² का कोफिशिएंट देख लोगे ना, 115 लिखा हुआ है यहाँ पे, 15 देख लोगे आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं निकालना हमें। हमें निकालना है x² का कोफिशिएंट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं और टर्म्स निकालते हैं। पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज दोबारा आ जाएगी, x/6, देखो ये 1 है ना, 1 से एक एक करके सबको, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में तो हमारे पास दो वैल्यूज है और दो ब्रैकेट्स है, तो 1 से हम पहले एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो सारी वैल्यूज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है समझ में आ रहा है, सही है ना। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाँ पास सेम ही चीज लिखी हुई आ जाएगी हाँ ना, x/6 अपने पास लिखो, ये सब जी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही चीज आ जाएगी, x^(x^64), जी ये सब अपने पास लिख दो, ये एक लाइन में दोबारा से सेम एज इट इज लिख दो। ये डॉट डॉट है आगे, मतलब इसका मतलब 3-4 वैल्यूज और थी लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, सही है ये लिख दिया तुमने। रहा हूँ अब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे और फिर आगे जो है ना इसके प्लस लगाएंगे, मतलब प्लस लिख के ही, प्लस होगा या माइनस होगा जो भी, साथ साथ ही ये इसमें प्लस है ना, प्लस x² से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, फिर सारी वैल्यूज को अब x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जो तुमने 1 के साथ सारी वैल्यूज लिखी है ना, -160 तक एंड किया होगा, उसके आगे प्लस लगाओ और फिर सबको x² से मल्टीप्लाई करो। x² से जब एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो x² मल्टीप्लाई बाय x^(x^64), देखो 64 तो एज इट इज रहेगा, x पावर में है तो इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये x^8 हो जाएगा, ये समझ में आया। x² से मल्टीप्लाई करने के बाद पावर्स को क्या हुआ, x^8 हो गया ना, तो बस आगे जो तुमने 1 से मल्टीप्लाई करके -160 तक लिखा है, आगे लिखो प्लस x^8/64, ठीक है। फिर हम दूसरे टर्म को x² से मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरा टर्म क्या है, -3/4 x^4, उसको हम जब x² से मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे, x² मल्टीप्लाई बाय माइनस है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है x^4 है सॉरी, ठीक है ना। तो इन दोनों में बेसिस सेम है, देखो -3/4 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, सही है ना। मल्टीप्लाई बाय क्या बच जाएगा, x^2+x^4, मतलब x^2 मल्टीप्लाई बाय x^4, तो 2+4 क्या होता है, 2+4=6 होता है सिक्स, तो इसकी पावर 6 हो जाएगी, ये समझ में आया।
ठीक है, इस तरह हमने सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये -3/4x6 आएगा। अब एक्स स्क्वायर को जब 15x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो तुम लिखोगे आगे +15x^4। एक्स पावर फोर क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि दोनों की पावर्स ऐड हो गए, x² + x² ठीक है, +6 + 15x^4 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब हमारे पास फोर्थ टर्म पे आते, फोर्थ टर्म में -160 × x² तो 160x² हो जाएगा, -160x² हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी इतनी सारी लंबी सी लाइन में तुम्हारे पास 8 टर्म्स आ गए होंगे, 8 टर्म्स आए ना, जी 8 टर्म्स आए। अब उसमें से हमें क्वेश्चन कह रहा था x² का कोफिशियंट निकालना है। अब हमें देखना है x² के साथ क्या क्या वैल्यूज है। अब इतनी सारी 8 टर्म्स में मुझे अपने पास देख के बताओ x² के साथ क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ x² x6 x8 x4, किसी को नहीं देखना, सिर्फ x² को देखना, x^2 के साथ क्या क्या नंबर्स लिखे हैं। 8 टर्म्स होंगे, उसमें से 2 टर्म्स आएंगे जिसके साथ x² होगा, कौन से वो 2 टर्म्स हैं? 160 -160 है, ये साइन का हमेशा ध्यान रखना, माइनस देखो वन माइनस वन सिक्सटी हाँ जी -160 और थ्री माइनस 3/4 -3/4 के साथ x² नहीं होगा। -3/4 के साथ x² कैसे, -3/4 के साथ तो x6 है, जब x² से मल्टीप्लाई कराओ, 1 से मल्टीप्लाई करा रहे तो -3/4 के साथ तो x4 है, x² किसके साथ है, 15x 15x। हाँ 15x, 15x² मतलब 15 है ना जिसके साथ x² है, जी +15 है तो हमने यहाँ पे +15 लिख दिया। इन दो वैल्यूज के साथ x² है तो हम इन दोनों को हम इनकी साइन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें -160 + 15 यही दो वैल्यूज आई ना, तो इनको ऐसे ही कैलकुलेटर में ऐड कर दो, -160 + 15 करोगे तो आंसर आएगा -145। ठीक है, बस ये हमारा आगे जो क्वेश्चन में आंसर मांग रहा था हमें कि कोफिशियंट ऑफ x² निकालना है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? हेलो, जी मैम, सॉरी ठीक है, अब मुझे मेरे ये आईपैड बताओ। की चार्जिंग खत्म होने लगी है, मैं दूसरे से रीजॉइन करूँ, फोन से करंट 2% रहती है। अच्छा चलो, हाँ मैं भी ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है, ज्वाइन करो।